यह है स्पार्कर भाई और हम लोग सुबह सुबह उठ के आए हैं दोस्तों। मतलब मेरा नींद खोलता ही नहीं दोस्तों, लेकिन उन्होंने मुझे आज जगाया है और हम लोग आए हैं। फिलहाल है हम लोग पाकिचोरा जो टी स्टेट है, मतलब बागान है, बागान में आए हैं और यहाँ का नज़ारा देख के हम लोग रुके हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जगह का नज़ारा। वीडियो में पूरा बने रहो, वीडियो पूरा देखो एंड आप पूरा वीडियो इन्जॉय करो। सुबह का टाइम है एंड आप बहुत ही फॉगी वेदर है दोस्तों, और फॉगी वेदर के कारण जो नज़ारा है ना गाइस, सही लग रहा है भाई साहब, सही लग रहा है। सो ये एक बार चेक करिए गाइस, यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही मज़ेदार व्यू है दोस्तों। और यहाँ पर जो टी का गार्डन है और यहाँ पर सामने एक मंदिर है, तो मंदिर भी दिखाएंगे आप लोगों को। लेट्स गो गाइस। सो गाइस यहाँ पर ये वाला घर चेक करिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है, पुराना होने के कारण भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये घर देखिए कितना पुराना होगा, और ये पेड़ देखिए, पेड़ देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुराना पेड़ है। और घर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये वाला सीनरी सिनेमेटिक शॉट के लिए यह बहुत ही अच्छा है। दो तीन फोटो खींचेंगे इसके सामने, उसके बाद दोस्तों जाएंगे उस तरफ। और यह जो मंदिर है इसको भी देखना है मुझे, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक फैक्ट्री भी है। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस अब बढ़ेंगे इस तरफ, अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है ये वाला जो व्यू है। और ये जो घर है ना, बहुत ही पुराना घर है, बहुत ही मतलब देखने से ही पता चल रहा है आप लोगों को इसका जो डिज़ाइंस वगैरह है, और बहुत ही अच्छी तरह से इस जगह को साफ करके रखा गया है। और ये जो हनुमान मंदिर है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, क्या ही बताऊँ मैं। और कुछ नेचर ने इस जगह का जो वेदर है, ठंड के वेदर की वजह से जो फॉगी वेदर है, इस कारण दोस्तों इस जगह को और भी सुंदर कर दिया गया है, और नेचर ने भी सुंदर कर दिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, और कोहरे के कारण इस जगह को देखने में ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। वहाँ का व्यू मुझे सही लग रहा है भाई, सही लग रहा है। मतलब जितना टाइम हो रहा है दोस्तों, मैं जितना भी देख रहा हूँ देखने में मुझे और भी अच्छा लग रहा है। यह व्यू चेक करिए कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों। और ये वाला पेड़ देखिए, इतना पुराना पेड़ और इतना बड़ा पेड़, और सामने देखिए मेरे ठीक सामने, सही लोकेशन है। अगर आप लोग सिनेमेटिक शॉट लेना चाहते हो या फिर सिनेमा का शूट करना चाहते हो दोस्तों, यहाँ यह जो लोकेशन है बहुत ही बढ़िया है, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड यह जो प्लेस है, इस जगह का एक साइनबोर्ड देखने को मिला है, ये आप लोगों को दिखाते हैं। यह है कंचनपुर टी स्टेट ओनर्स, देखिए कंचनपुर टी CO LTD लिखा हुआ है। एंड यहाँ का जो अंदर का व्यू मैं दिखाते हैं आप लोगों को, सो गाइस मेरे ठीक सामने जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, यह है जहाँ पर चाय बनता है, टी की लीफ से यानी कि चाय की पत्ती से जो चाय बनता है, और यह वाला वो जगह है। तो इसके अंदर जाना आई थिंक अलाउ नहीं है, देखेंगे अगर अलाउ होता है तो आप लोगों को दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे परमिशन लेके चाय कैसे बनता है वो आप लोगों को दिखाने के। तो ये आप लोग मतलब देखने के लिए तैयार रहना, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा गाइस कि यह वाला जो चीज़ें है वो आप लोगों को दिखाने के लिए, कि यही एक चीज़ है जो हमारे आसाम में बहुत ही फेमस होता है गाइस, और आसाम इज़ फेमस फॉर टी, ये आप लोग जानते ही हो दोस्तों। तो ये आप लोगों को दिखाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेंगे।
करूंगा मैं। एंड गाइस ये जो दिख पा रहे हो ये एक बड़े खंभे की तरह, ये खंभा नहीं है, यहाँ पर जो टी बनता है उसका जो धुआं निकलता है टी बनने के प्रोसेसिंग में, वो निकलता है इस जगह से, और थोड़ा बहुत पोल्यूशन होता है दोस्तों। अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो मतलब टी भी नहीं बनेगा, तो कुछ कुछ चीज़ है जिसके लिए पोल्यूशन होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा बड़ा पंखा देखने को मिला है मेरे को, बहुत ही बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ है, पता नहीं किस लिए यह पंखा लगा हुआ है। ये देखिए गाइस, बाप रे बाप, देखिए कितना बड़ा बड़ा पंखा है, जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को एक बार। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ है, शायद इसी के अंदर ही जो चाय का पत्ता है वो बनता होगा। आई डोंट नो गाइस, मैंने पहले कभी देखा नहीं ज़िंदगी में, पहली बार मैं देख रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताओ। फॉग इतना हो रखा है कि मतलब आंखों के अंदर फॉग जा रहा है दोस्त। मेरा जो कैप वगैरह है सब बिक के, मतलब क्या बताओ, पूरा बिक गया है गाइस। और इसके अंदर जो फ़ैन दिखा है दोस्तों, इस फैन से ये होता है कि जो ये फ़ैन मतलब एक मशीन है, जो चाय का जो पत्ता है वो यहाँ पर डाला जाता है, उसके बाद उसका जो मतलब रस है वो निकलने के बाद जो ये फ़ैन है वो मतलब उसको सुखाने में हेल्प करता है। तो बहुत बड़ा फ़ैन है और ये बहुत ही पुराना है, बताया गया है कि 20 साल से ऊपर भी होगा या फिर इससे भी ऊपर भी हो सकता है दोस्तों, आई डोंट नो। लेकिन बहुत ही गजब है फ़ैन। और इस जगह का जो दीवार है ना, वो दीवार देख के मुझे पता चल रहा है कि ये कितना पुराना होगा। सो यहाँ का एक एक पेड़ जो है ना दोस्तों, वो इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, और पेड़ का भी एज होता है, जो मतलब पेड़ लेके रिलेटेड जो मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको ही पता चलेगा। सो लाइक एग्जांपल ये देखिए गाइस, इतना बड़ा पेड़ अब देखने को नहीं मिलता। बेसिकली जंगल में जितने भी पेड़ होता है छोटा छोटा होता है, क्योंकि जितना भी पेड़ होता है ना दोस्तों वो मतलब अब काट दिया जाता है और बहुत ही काम में लगा दिया जाता है। लेकिन ये वाला पेड़ देखिए कितना बड़ा पेड़ है गाइस, ये वाला पेड़ एक बार चेक करिए, ये पेड़ का एज भी होगा मेरे से ज़्यादा होगा दोस्तों, मेरे पिताजी की उम्र का होगा। पेड़ का भी उम्र होता है पता है, और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो पेड़ के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना, तब जाके पता चलेगा। सो गाइस अभी जाएंगे इस तरफ और जाके देखेंगे क्या देखने को मिलता है इस तरफ, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और घर के बारे में तो कुछ मत बताइए, घर एक से बढ़कर एक है। और यहाँ पर एक पुल बना हुआ है और सामने टिक देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर टीला है, जिस टीला में दोस्तों बहुत सारे पत्ते हैं चाय के, तो यहाँ से चाय पत्ते लेके यहाँ पर बनाया जाता है। और ये वाला ब्रिज देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला ब्रिज और व्यू सही व्यू आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यहाँ का पानी देखिए दोस्तों ब्लैक हो चुका है, और पानी ब्लैक होने का कारण यह है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर टी बनता है ना, तो टी का पत्ता का जो मतलब रस होता है इसके कारण दोस्तों, इस रस के कारण इस जगह का जो पानी है वो गीला हो चुका है, आई मीन इस जगह का पानी है वो ब्लैक कलर का हो चुका है। सो यह कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। और व्यू देखिए गाइस, सही व्यू लग रहा है ना भाई, सही व्यू लग रहा है। सो गाइस यहाँ से कुछ व्यू इस तरह का होता है, एंड पीछे सिर्फ और सिर्फ टी का गार्डन है, और यहाँ से टी लेके दोस्तों बनाया जाता है यहाँ पर टी, और फिर आपके घर में जाता है टी। नाउ मैं खड़ा हूँ इस जगह पे, यहाँ से अगर गिरूँगा तो मेरे को कुछ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत हड्डियाँ टूटेंगे। सुबह का टाइम है और बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को ये वाला जो प्लेस है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अगर आप लोग ऐसे हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड ढेर सारा प्यार देना मेरे को, बहुत प्यार देना, वैसे भी आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो गाइस अब से आएगा कंटिन्यू वीडियो, सुबह सुबह हम लोग मस्ती करेंगे, सुबह सुबह हम लोग कॉन्टेंट डालेंगे, एंड सुबह सुबह बहुत ही मज़ा करेंगे दोस्तों। बेसिकली मैं नींद से उठता नहीं दोस्तों, फिर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड क्या है कि छुट्टी को कॉल किया था लेकिन छुट्टी ने इनवाइट भी नहीं किया घर में आने को, गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है।
छुट्टी के घर में छुट्टी को जाके इतना पहनेंगे आज ड्यूटी में जाके। क्या यहाँ पर देखिए एस प्लस आर लिखा हुआ है, यार कौन है बे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अब मैं जा रहा हूँ स्पार्कर भाई के साथ अंदर का व्यू देखने। सुबह सुबह ट्रैकिंग करने का मजा ही कुछ अलग है, थोड़ा बहुत शरीर भी टेस्ट हो जाता है और शरीर को खोलने के बाद मज़ा आता है, पूरा दिन काम करना पड़ता है। और व्यू देखिए यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है, ये चेक करिए सुबह सुबह धूप निकल रहा है और मतलब बहुत ही फटने वाला है, हम लोगों का घर जाना है, फोगी वेदर है, फोग के साथ साथ ये भी अपना तेज दिखा रहे हैं दोस्तों। मैं थोड़ा मेरा सांस जो है फूल चुका है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगा है आज, बहुत ही मज़ा आया। गाइस ये है वो पत्ता जिसे टी बनाया जाता है, तो नया नया जो पत्ता होता है, जो नया नया पत्ता उगता है उसी से ही टी बनाया जाता है। जैसे कि ये वाला जो पत्ता होता है इससे टी नहीं बनेगा, ये पुराना हो चुका है। और ये जो दोस्तों नया नया जो पत्ता है ये वाला, इससे बनता है टी। तो इसको लेके जाने के बाद जो मशीन दिखाया था मैंने, वो वाला मशीन में डाला जाएगा, उसके बाद दोस्तों टी बन जाएगा। तो असम का टी का स्वाद ही कुछ अलग है दोस्तों। सो गाइस मेरे को चाय के बारे में इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चाय बहुत पीता हूँ मैं और हमारे यहाँ चाय बहुत चलता है। तो अभी अभी मुझे स्पार्कर भाई ने बोला है, तो इस जगह का जो टी है, मतलब इस जगह का जो टी का जो फैक्ट्री है जहाँ पर यह जो टी बनता है ना दोस्तों, ये वाला टी सीधा यहाँ पर बनने के बाद एक्सपोर्ट हो जाता है दोस्तों कलकत्ता पे, और कलकत्ता से सीधा दुबई ट्रांसफ़र होता है। पता चल रहा है आप लोगों को से कहा जाता है। और असम का टी मतलब आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो मतलब वर्ल्ड फेमस है दोस्तों, बाहर जाने के बाद भी आप लोगों को असम का टी देखने को मिलेगा और चखने को मिलेगा। तो असम का टी मतलब बहुत ही फेमस है, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ से सीधा चल जाता है दोस्तों कलकत्ता, और कलकत्ता से सीधा दुबई जाता है। तो ये एक टी फैक्ट्री हो गया। उसके बाद दोस्तों और एक टी फैक्ट्री है जिसका नाम है बोनीर बीच, तो इस जगह में हम लोग जाएंगे और इसका अंदर का व्यू जो कैसे बनता है ये प्रोसेसिंग दिखाएंगे आप लोगों को। तो इसमें मेरे को हेल्प करेंगे स्पार्कर भाई, तो स्पार्कर भाई के साथ जाएंगे एंड आप लोगों को दिखाएंगे वो वाला जो बोनीर बीच जो टी स्टेट है उस जगह पे जाने के बाद दिखाएंगे। तो ये अगला वीडियो आने जा रहा है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो और ये वाला वीडियो नया देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि कैसे चाय बनता है वो आप लोगों को दिखे। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर हो दोस्तों और जो मेरे फैंस हो छोटे छोटे भाई लोग, उन लोगों को मैं ये स्पेशली बोल रहा हूँ, ये देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि चाय कैसे बनता है। चाय तो पीते हो लेकिन बनना आप लोगों को नहीं पता है। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, आप लोग भी बहुत एक्साइटेड रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और ये वाला जो वीडियो है वो बहुत सारा ढेर सारा शेयर करो गाइस। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि जिस भी पैर में फ्लावर आ गया है वो पैर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि क्योंकि दोस्तों टी का जो पैर होता है बहुत ही पुराना होता है और टी का पैर में आसानी से दोस्तों फ्लावर नहीं आता। तो जिस भी पैर में फ्लावर आ जाता है वो पैर का मतलब बचने का चांसेस बहुत कम रहता है। सो 10 to 15 days और मतलब एक डेमो भी दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे कि ये देखिए ये जितने भी पैर है सबको काट दिया गया है, ये देखिए दोस्तों जितने भी पैर है सब काट दिया गया है क्योंकि इन पैर में फ्लावर आ चुका था, इसलिए ऐसा भी हो सकता है या फिर नया पत्ते उगने के लिए भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये वाले जो है ना, ये वाले क्या हुआ है, इस वाले पे फ्लावर आ गया है, आप लोग देख सकते हो ये
इतना हार्ड है, ठीक है। ये वाले सब साफ कर दिया गया है, और अगर इस पे कोई भी बाई मिस्टेकली फ्लावर आ जाए तो पूरे के पूरे जड़ से उठा उखाड़ देंगे उन लोग। तभी उन लोग चेक करेंगे कि उस पे फ्लावर आते हैं या नहीं, और अगर नए पत्ते उग गया तो भाई हो गया। सो कुछ इस तरह का होता है जो टी का प्रोसेसिंग है। बहुत ही पेचीदा है जो प्रोसेसिंग है गाइस। इनको अगर हम लोग मतलब एक एक डिटेल्स लेने जाएंगे ना तो मतलब पूरा पागल हो जाएंगे। तो उनका काम उनको ही करने दो, हम का काम हम करते हैं। हम आप लोगों को मतलब यही दिखा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनल रहता है जो हम लोग दिखा नहीं पाएंगे आप लोगों को। सो दोस्तों सो सॉरी दैट्स वाई हम लोग यह नहीं दिखा सकते आप लोगों को। एंड कुछ चीज़ है जितना तक हम दिखा सकते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। हम झूठा जो मतलब आशा है वो आप लोगों को नहीं देना चाहते। घूम के फिलहाल घर में जाएंगे, चाय पियेंगे, तैयार होंगे, ड्यूटी में चले जाएंगे, ब्लॉग्स आप लोगों को मिल जाएगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड कैसा लगा ये वाला प्लेस आप लोग ज़रूर बताना, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और ऐसा ही चीज़ ऐसा ही छोटा छोटा जो प्लेसेस है मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा दोस्तों। सो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड गाइस जल्दी से जल्दी हम लोगों का 2K कंप्लीट होने जा रहा है। वीडियो को लाइक करो, ढेर सारा प्यार दो दोस्तों।